जय हिंद, वेलकम बैक टू ईटी गाइड यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में फिर से सबका स्वागत करते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी थंबनेल देखे समझ ही चुके होंगे कि हम इस वीडियो में क्या रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। कि अगर आप लोग कोई भी कैंडिडेट जो है अगर खाली 10th पास है तो उसके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कि रिक्रूटमेंट हो रहा है वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से, जो कि एक अच्छा रिक्रूटमेंट हो रहा है। खाली 10th पास है और कोई भी यहाँ पे रिटर्न एग्जाम आपको नहीं होगा, खाली एक आपका वाइवा होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो बने रहे वीडियो में पूरा जानकारी पाने के लिए। और साथ ही साथ इसमें अगर आप लोग पूरा जानकारी पाना चाहते तो आपको सीरियस होकर वीडियो में देखना होगा। और भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो का अपडेट चाहते तो चैनल को मोबाइल में विजिट कीजिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है फ्रेंड्स, वो हो रहा है हेल्थ वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से। टोटल पोस्ट है 165 पोस्ट है। और जो कैटेगरी है रिक्रूटमेंट कैटेगरी वो है वार्डन, यानी कि वार्डन कैटेगरी पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका रिक्रूटमेंट होगा फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में आपका रिक्रूटमेंट होगा। वार्डन मतलब आपका प्रहरी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जो देख रेख करता है सभी स्टूडेंट को, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसको मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे देख लीजिए, जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 जून 2022 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है फॉर्म फिलअप। मैं जब वीडियो बना रहा आज का डेट 18 जून, तो 30 जून 2022 रात दोपहर के 1 बजे तक आप लोग ऑनलाइन में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होगा फॉर्म फिलअप करते समय, और सैलरी कितना मिलेगा सारा कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो सैलरी हर महीने आपको मिलेगा 5,400 से लेकर 25,000 तक आपको सैलरी मिलेगा, जहाँ पे ग्रेड पे आपका रहेगा 2,680 आपको जो है सैलरी यहाँ पे महीने के मिल जाएगा, जो कि परमानेंट है आपका गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक मेंशन है परमानेंट है, अपॉइंटमेंट आर टेम्पोरी बट लाइक टू बी परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट भी हो सकता है आपका, यहाँ पे एक मेंशन है टेम्पोरी ले रहा है लेकिन परमानेंट आगे चलकर आपका हो सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे सीरियस जो है इसके लिए आपको अप्लाई करना है सीरियसली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी क्या क्या है। तो वार्डन पोस्ट के लिए आपको मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कास्ट कैटेगरी हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी है, लेकिन टोटल जो वैकेंसी ओवरऑल 165 है टोटल वैकेंसी। और सिलेक्शन प्रोसीडर कैसा होगा आपका, जो है क्लास 10 का, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, खाली 10th पास होने पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट है। और आपका क्लास 10 का जो मार्क्स लिया जाएगा 85% जो मार्क्स कैलकुलेशन किया जाएगा वो क्लास 10 का जितना भी मार्क्स है उसके अंदर आपको 85% लिया जाएगा, और जो 15% बचता है उसके लिए आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। 50% मार्क्स का आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। और एज देखिए कितना होने पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका एज अगर 1 जनवरी 1982 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन 5 साल आपको मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलता है, SC ST को उसको आधार पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2022 से लेके 1 जनवरी 2004 तक अगर इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिलैक्सेशन देखिए किसका कौन सा कैटेगरी को कितना साल के लिए मिलेगा यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी आपको देना होगा 160 रुपीज़, यानी 160 रुपये आपको ऑनलाइन में पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन में आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑनलाइन में चेक बैंक ड्राफ्ट एंड कैश ETC शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब आपका चेक बैंक ड्राफ्ट इसमें एक्सेप्ट नहीं है, आप खाली ऑनलाइन में डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, जो कि ग्रिप्स GRPS के जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके माध्यम से आप लोग डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से हाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा का डिटेल्स आपके सामने मैंने शेयर किया। और चलिए अभी सीधा बात ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ दिखाते हैं कि कैसे फिलअप करना है, और 15 मार्क्स का आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए सीधा बात ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ दिखाते हैं वहाँ पे कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स ये रहा वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, आपको यहीं पे आके आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन में फिलअप करना है। और अगर चाहे नोटिफिकेशन को आप ऑनलाइन में डाउनलोड करके देखने के लिए तो नीचे आ जाइए, आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे एक सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जो कि वार्डन पोस्ट के लिए जो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है थोड़ा वेट करना है। तो ये वाला जो जा रहा है इसको देख सकते हैं, जो कि नर्सिंग में वार्डन पोस्ट के लिए, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपका सामने PDF डाउनलोड हो जाएगा। और ऑनलाइन में अप्लाई करने के लिए आपको सीधा ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें आपको जो सिंपली क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपका पहले तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, आप अगर न्यू कैंडिडेट है अभी तक अप्लाई नहीं किए तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, और अप्लाई फॉर कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते तो सबसे ऊपर वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर RWARDEN36/2022 रिक्रूटमेंट फॉर वार्डन फॉर कॉलेज
ऑफ नर्सिंग है, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में आपको इसमें सिलेक्शन करना है। फिर आपका फुल नेम देना है, ठीक है, यहाँ पे फुल नेम आपको देना है, मोबाइल नंबर वैलिड देना है, वैलिड ईमेल आईडी देगा सबमिट करके, उसके बाद जो भी ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन करके फिर लॉगिन बैक टू जाना है लॉगिन में, और बैक टू लॉगिन में जाके आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपका कौन सा पोस्ट में अप्लाई किए थे, वार्डन पोस्ट में वार्डन सेलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सबमिट कीजिए, तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहाँ से आपको आराम से आप लोग जो है अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आगे की जानकारी पाने के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। और भी अपडेट चाहिए तो एक बार चैनल को होम में भी जाके विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, देखते रहे यूट्यूब चैनल यूट्यूब गाइड। जय हिंद फ्रेंड्स।